हम भी फिर उनके साथ कहीं शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे सिटी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यूट्यूब फैमिली कैसे आप, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशकरम होंगे, मज़े में होंगे और अपने चैनल के मसरूफ़ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिया करें। यूट्यूब फैमिली, आप हमारी वीडियो से बने रहिएगा। आओ माशाल्लाह व्यूअर, आज का मौसम देखिए कितना प्यारा है, और ऊपर देखिए बादल देखिए बहुत ही प्यारे और बहुत ही घने घने, बहुत ही ज़्यादा घने घने बादल है माशाल्लाह। और मौसम और बहुत ही मौसम प्यारा है, अच्छा है, लवली है, और ठंडी ठंडी शिमाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी शिमाली हवा भी चल रही है और साथ में ठंड भी है। आज बहुत मज़ा आ रहा है, और ये देखिए बच्चों को देखिए, और ये देखिए बच्चे जो हमारे हमसाए ना, ये देखिए कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि ठंड रह गया ना इस वजह से। बाकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बस खाली अब जो है खाली जो दरख्त ग्रीन रह गए हैं बस, बाकी ग्रीनरी ख़त्म हो गई है हमारे इलाके में, या बस कहीं घास है ना वहाँ पे है ग्रीनरी, जैसे ये घास है ना यहाँ पे है ग्रीनरी। चाय मैंने सुबह सुबह बना ली है, इधर देखें चाय मैंने बना के टेबल के रख दिया है, क्योंकि बच्चे उठने वाले हैं सुहेल और मुजम्मिल। सुहेल तो ना खाना नहीं खाएगा, उनको डॉक्टर मना किया है। ये तीन पराठे बनाऊँगी, इधर देखे पराठे के पेड़े बने हुए हैं, नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बना के फिर और काम भी करती हूँ, फिर एक चीज़ दिखाती हूँ बस आपको। वाह माशाल्लाह कितना ही प्यारे हाथ में सिवैयाँ बना के मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, देखे हाथ में सिवैयाँ बना के, ये बाज़ार की नहीं है सिवैयाँ, हाथ में बना के किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये देखे वाह कितना सफ़ेद हैं, कितना प्यारा लग रहे हैं हाथ में, उनकी मेहनत तो देखें हाथ में, ऐसे ऐसे करके एक एक ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाया था। ये मेरा गिफ्ट है यहाँ, देखिए बस मैं जैसे बनाऊंगी आपको शेयर लाजमी करूंगी। ये हाथ के बनी हुई सिवैयाँ हैं, हम तो जबड़े इनको बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उर्दू में। ये देखें भाई, जाके नाश्ता बनाती हूँ। सुहेल स्कूल नहीं जाएगा, मुजम्मिल जाएगा लाजमी, क्योंकि सुहेल बीमार है, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया, उनको मलेरिया बुखार हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, मुझे आस्ते आस्ते अंदाज़ा हो गया गैस पे कैसे पनीर पराठे बनाते हैं, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था जो कैसे चूल्हा जलाते हैं, कैसे नहीं जलाते, कैसे उनको थोड़ा करते हैं ज़्यादा करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स मेरा पराठा, आप कमेंट में बताना कैसा लगा है आपको। मुझे तो चिमटा पकड़ना नहीं आता, ऐसे ऐसे सीख गए। देखे मुझे तो ये भी नहीं आता, हाथ की आदत थी, ये मुझे नहीं आता। ये मुझे अंदाज़ा हो गया कैसे चिमटा पकड़ना है, कैसे गैस पे पराठा बनाना है, कैसे चाय बनानी है, कैसे चूल्हा थोड़ा करना है, सब मुझे माशाल्लाह अंदाज़ा हो गया है। ये देखें बस मेरा पराठा, और देखें चिमटा पकड़ना मैंने सीख लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा गिर जाता है चिमटे से पराठा, थोड़ा थोड़ा अभी भी गिर जाता है। ये देखें भाई चिमटे के साथ मैं उतार रही हूँ, इधर देखें भाई मेरा पराठा बन गया, वाह माशाल्लाह। ये देखें ये है जबड़े, ये मुझे पता नहीं है दूध में बनते हैं कि घी में बनते हैं, ये कमेंट में बता देना। ये मुझे गिफ्ट मिला है, हाथ में बने हुए सिवैयाँ हैं, जो जबड़े हैं जो भी है, ये हाथ में बने हुए हैं, मेहनत से बने हुए हैं, इधर देखें मेहनत से बने हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सफ़ेद हैं, मैदे के बने हुए हैं, ये आम अट्टे के नहीं हैं, मैदे के बने हुए हैं। नाश्ता मेरा मुकम्मल कम्प्लीट हो गया माशाल्लाह, देखें वो पूरा मुकम्मल हो गया है। इधर मैंने टेबल पर रख दिया है दो कोप और पराठे, जाके बच्चे को जगाती हूँ, उनको नाश्ता करवा के देखे, फिर उनको स्कूल भेज के आज मैं पूरे घर की सफ़ाई भी करूँगी, किचन भी करूँ। क्या हाल हो गया मेरे किचन, कितना दिन मैं हो गई परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, घर का हाल हो गया है ये। आज मैं अपने पूरा काम करना भी है, मुकाम ख़त्म भी करना है, आपको दिखाना भी है, व्यूअर्स देखना ये मेरे किचन का हाल देखना, मेरा बहर का हाल देखना, सहन का। इधर देखें टोनी क्या हो गया है, किसको है, हाँ आपको क्या हो गया है, चुप हो जाओ। देखिए मेरे घर का हाल हो गया है, कितना दिन हो गया मैं
काम करती हूँ, बस ऐसे ऐसे करती हूँ, पूरा मुकम्मल नहीं करती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आज मैं घर का सोच लिया है, काम ख़त्म करना ही भी है क्योंकि परेशान तो रहती हैं, ये तो परेशान है तो सारी ज़िंदगी के हैं। उनका दर बंद कर देती हूँ क्योंकि ये डॉग बैठा है, नाश्ते के ऊपर हमला ना कर देगा। ये बंद करके फिर जाती हूँ सुहेल और मुजम्मल को जगाती हूँ। मुजम्मल सही, मुजम्मल उठो मेरा बच्चा, देर हो गई स्कूल को, उठो मेरा बच्चा, उठो 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 उठो, नाश्ता बन गया है, स्कूल नहीं जाना मुजम्मल, उठो मेरा बच्चा, उठो उठो उठो, नाश्ता बन गया है। सुहेल, सुहेल स्कूल जाना है, सुहेल आप तबीयत खराब है पता नहीं, देखती हूँ तबीयत सही है सुहेल की। सुहेल स्कूल जाना है, हाँ नहीं है बुखार, उठो उठो दवाई खा लो, उठो नाश्ता कर लो फिर स्कूल जाओ मेरे बच्चे। सुहेल सही और मुजम्मल सही जाग गए, उठ गए, मुजम्मल सही आ गए हो जी। सुहेल सही, सुहेल सही तबीयत कैसी है, सही है? सुहेल सही आपको तो मलेरिया बुखार है, खाना मना है, रोटी एक हो ठीक है, पराठा खा लो। चलो मुजम्मल सही जल्दी जल्दी नाश्ता करके तैयार हो जाओ। सुहेल और मुजम्मल नाश्ता करके उठ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं स्कूल की। ये देखें माशाल्लाह भी आ गया, नाश्ता कर रहे हैं, आप भी जाग गए हो, आज जल्दी उठ गए हो। यहाँ पे देखें थ्रेशर लगी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, थ्रेशर लगी है। और देखें औरतों के काम, देखें औरतें जो है ना बड़े बड़े गट्ठे जो है ना उसके उठा के लेके जा रही है। ये देखें ये औरत है और ये जो गठड़ी उठा के लेके जा रही है। देखें मर्दों के शाना बशाना काम करती है औरतें यहाँ की, माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये औरत उसको उठवाती है और दूसरी रेत लेके जाती है। ये देखें ये औरत आ रही है। ओ माय गॉड, व्यूअर ये चेक करें मौसम कितना ही ख़राब हो गया है और घने घने बादल आ गए हैं, एकदम से आ गए हैं और पूरे आसमान को जो है ना घेर दिया है इन्होंने, पूरे आसमान को घेर लिया है। ये देखें चेक करें, जहाँ भी जाएँ देखेंगे बादल ही बादल और घने घने बादल आ गए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, फसल अभी पड़ी हुई है हमारी, हर किसी की पड़ी हुई है, अल्लाह रहम करे अल्लाह करम करे गंदम की फसल माशाल्लाह। और बादल बहुत ज़्यादा गहरे हो गए हैं, बहुत गहरे हो गए, खुदा टाल टाले और बारिश ना हो अल्लाह करे। हवा भी बहुत तेज़ और ठंडी यकबस्ता चल रही है और साथ में बादल भी बहुत गहरे गहरे। यार तो फाइनली बारिश आ गई, बहुत ही गहरे गहरे बादल पहले मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन अब जो है ना बारिश आ गई है और बहुत तेज़ बारिश आ गई। यहाँ की कलीन मैं उठा के डाल के आया हूँ अपनी गंदम के ऊपर, ढेरी के ऊपर थोड़ी सी है, जितनी थी मैंने डाल के आया हूँ, क्या करें जितनी थी। और बारिश बहुत ही तेज़ आ गई है, बहुत ही तेज़ बारिश, एक बार ये चेक करें, ओहो काफ़ी तेज़ बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, मौला पाका फसलें भी पड़ी हुई हैं, तो देखते हैं बारिश क्या सीन करती है और कब तक होती है और बारिश की आवाज़ सुने। ओ माय गॉड, बिल्कुल काली रात हो चुकी है, काली रात हो चुकी है और बारिश ने जो है ना पूरे इलाके को सैराब कर दिया। ये देखें पानी आ गया, पानी बहना शुरू हो गया परनालों से, अभी बार ये चेक करें, पानी जो है ना परनालों से बहना शुरू हो गया है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। और ये देखें पानी ही पानी, पानी ही पानी, ये देखें पूरा इलाका जो है ना भर गया पानी से, मेरा जो है ना पूरा ग्राउंड भी पानी से भर गया, पानी निकालने की जगह भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे गहरी जगह है ना, तो पानी यहाँ पे जमा हो गया है। और ये देखें आसमान भी साफ़ हो गया है और यहाँ से बादल है, बाकी आसमान साफ़ हो गया और मेरी सब्ज़ी भी पानी से भर गई। और ये तो भाई पानी का तला है, अब यहाँ पे हम डुबके लगाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे। और ये मेरा भी प्लाट भी पानी से भरा हुआ है। जुम्मे का टाइम हो गया है तो अभी जा रहा हूँ मैं जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद में जाकर करते हैं जुम्मे की नमाज अदा और सबके लिए भी दुआ करेंगे, और स्पेशल एक हमारे सब्सक्राइबर आए पंजवा ब्लॉग उनके लिए भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुम्मे की नमाज अदा कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे जुम्मा पढ़ने की सआदत नसीब अता फरमाई। तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से जुम्मा मुबारक, और जो नमाज नहीं पढ़ते
और जुम्मा नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनको नमाज और जुम्मा नमाज पढ़ने की सआदत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह कहना। अभी तक जो है ना कोई मसला हल नहीं हो रहा था, मेरे सालों का कोई मसला हल नहीं हो रहा, और जो है ना हमजा और उसका अबू और उसकी फैमिली जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं कहीं, तो देखते हैं अगर वो शिफ्ट होंगे तो फिर हम भी उनके साथ कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तो कोशिश में लगे हुए हैं कि मसला हल हो जाए, क्योंकि काफ़ी गंभीर मसला हो गया और जो है ना काफ़ी झगड़ा हो गया, लेकिन अल्लाह पे जो भरोसा है इंशाल्लाह हमारे रिश्तेदार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई राह ज़रूर निकलेगी। अगर राह नहीं निकलेगी तो फिर शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि कहीं और दूसरे सिटी में दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा उनको, क्योंकि फिर झगड़ा घर का जो अच्छा नहीं होता। तो देखते हैं अगर वो शिफ्ट हुए तो हम भी फिर उनके साथ कहीं शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे सिटी में। कई बार देख तो फैमिली का मसला या झगड़ा ये बहुत ही परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि घर की बात जो होती है ना फिर बहुत ज़्यादा जब अरूज पे आ जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाहर का झगड़ा फिर भी कंट्रोल हो जाता है, घर का झगड़ा जब बढ़ जाता है फिर कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे। फिर तो यहीं पे अपना व्लॉग भी मैं एंड करता हूँ, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।